सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद श्वेता। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं हायरिंग के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ वन बाय वन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर, आप लोग देख सकते हो मैं अपने चैनल पर डेली अपडेट पोस्ट करते रहती हूँ, तो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट हायरिंग है EY की तरफ से, बिग फोर की तरफ से हायर कर रही है अर्नेस्ट एंड यंग की तरफ से। आप लोग देख सकते हो जो कि कैंपस आया स्टाफ GRSC रोल के लिए एंड लोकेशन कोलकाता होने वाला। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। बिग फोर की तरफ से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इनके बारे में। एंड अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे BE BTEC वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, IT कंप्यूटर साइंस और सर्किट ब्रांचेस वाले जो लोग BTEC वगैरह से। एंड शुड हैव सिक्योर 60% या उससे ज़्यादा आपका मार्क्स होना चाहिए आप ग्रेजुएशन में, और एक भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है EY की तरफ से। आप लोग देख लो, बहुत सारे लोग हैं जो कोलकाता लोकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो कोलकाता वालों। चलो हमारी नेक्स्ट हायरिंग की तरफ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट हायरिंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है एंड ये है विसंका टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जिसका लोकेशन चेन्नई होने वाला है। एंड आप लोग देख सकते हो ये मोबाइल ऐप डेवलपर के लिए हायर कर रहा है यहाँ पर। एंड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, पैकेज भी अच्छा है आपको, 4 LPA से 6 LPA के बीच में आपका जो भी पैकेज है होने वाला है। एंड हाइब्रिड वर्क है एंड इसमें एक्सपीरियंस से लेके फ्रेशर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट दिया हुआ है एबिलिटी टू बिल्ड एंड्रॉयड ऐप यूजिंग कोटलिन फ्लटर डार्ट, मस्ट नो PHP लैंग्वेज। PHP लैंग्वेज इज मैंडेटरी जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया है। एंड स्किल्स रिक्वायर्ड में भी इन्होंने लिखा है। एंड हायरिंग प्रोसेस के बारे में लिखा है, इनका हायरिंग प्रोसेस शॉर्टलिस्ट होने में 3-4 दिन लगते हैं, फिर शॉर्टलिस्ट होने के बाद टेस्ट प्रॉब्लम होता है उसमें 3-4 दिन लगते हैं। तो ये सारा इनका हायरिंग प्रोसेस वगैरह के बारे में इन्होंने अच्छे से डिस्कस किया। स्किल्स मैंडेटरी की बात करें तो फ्लटर डार्ट PHP एंड्रॉयड स्टूडियो API एंड ऑप्शनल में कॉटलिन है। एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट में आपको कैब फैसिलिटीज़ दी जाएगी और आपका इनफॉर्मल ड्रेस कोड आप कुछ भी पहन के जा सकते हो। ओके, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए हमारे नेक्स्ट हायरिंग की तरफ से चलते हैं। एंड हमारी नेक्स्ट हायरिंग है वो है विप्रो की तरफ से। जैसा कि आप लोग देख सकते हो विप्रो हायर कर रहा है टेस्ट इंजीनियर रोल के, इसका जॉब लोकेशन हैदराबाद बेंगलुरु होने वाला है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। एंड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है MNC की तरफ से, जैसे कि आप सबको पता है यहाँ पे बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे BE BTEC वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे DevOps का ये रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा है। अगर आपको DevOps आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग डेज 5 होने वाला है एंड फुल टाइम में सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। ओके, एंड राइट साइड में जो अप्लाई नाउ का बटन है आप लोग वहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अगर आप लोग एलिजिबल हो तो। ओके, चलिए नेक्स्ट हायरिंग की तरफ चलते हैं। तुम्हारा जो नेक्स्ट हायरिंग है वो है गूगल की तरफ से। हाँ भाई, गूगल की तरफ से हायर कर रहा है एंड गूगल हायर कर रहा है एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका जॉब लोकेशन है बेंगलुरु। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हो बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, अदर टेक्निकल फील्ड और इक्विवेलेंट प्रैक्टिस एक्सपीरियंस। इसमें BTEC वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कंप्यूटर साइंस और IT सेक्टर में है। ओके, एंड एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग जावा J2 एंड वेब सर्विसेज, एक्सपीरियंस इम्प्लांटिंग कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन एंड इंटीग्रेशन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं गूगल की तरफ से, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसे। चलिए हमारी जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ है वो है KPMG की तरफ से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, ये भी एक बिग फोर कंपनी EY की तरफ उसकी तरफ से हायर कर एनालिस्ट सर्विस नाउ के लिए एंड इसका जॉब लोकेशन मुंबई होने वाला है। ओके, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। ओके, एंड यहाँ पे बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यहाँ फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका 2 साल तक का एक्सपीरियंस हो उनका। ओके, एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE BTEC ME MTEC ग्रेजुएट वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, BCA BSc वाले लोग इसमें एलिजिबल नहीं हैं। ओके, तो आप लोग अगर एलिजिबल हो, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग अप्लाई ज़रूर करें इस अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स, मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओके, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।